अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सीरक के बारे में मालूम होगा। सीरक एक संस्था है जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में आता है और इसकी स्थापना करीब 1988 में हुआ था जब हमें सुपर कंप्यूटर भारत की बनाना था। सुपर कंप्यूटर हमने 3 साल में डिलीवर किया। उसके बाद हमें मालूम चला कि हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और हमने अनेक विशिष्ट क्षेत्र जहां पर सरकार की आईटी में आवश्यकता थी वहां पर सीडैक को उन्होंने इन्वॉल्व किया। एक जो क्षेत्र है वो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का है। भारत में कोई भी लैंग्वेज आप किसी भी फॉर्म में देखते हैं उसमें सीडैक का योगदान है। सारे इंडियन लैंग्वेज में सीडैक का काम है और नाउ भाषणिक के साथ जो माइटी का एक्ट है उसके साथ हम लोग क्लोजली काम कर रहे हैं। हमने हेल्थ पे बहुत काम किया है। कोरोना के समय में आपको याद होगा जब ई संजीवनी पर टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस काफी हेल्पफुल था। 10 करोड़ कंसल्टेशंस ई संजीवनी पर हुए कोरोना के टाइम पर। इनफैक्ट जो रेमडेसिविर मेडिसिन है उसको भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करी थी अपने सुपर कंप्यूटर यूज करके। हमने बताया था कि इसका यूटिलाइज हम कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन हमने डेवलप किया भारत सरकार के लिए। एक जो आपका वोटर इलेक्ट्रिक करते हैं वो हमारे डेवलप किया हुआ है। ईपीएफओ हमने डेवलप किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉल्यूशंस हमने बिल्ड किए हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। ई साइन उस पर विश्वास बात करेंगे। इस पर हम लोगों ने काम किया है। डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। अभी आपने चंद्रयान की बात देखा होगा। चंद्रयान में बहुत पॉपुलर हुआ चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 में हमने जो प्रोपेलेंट है जो प्रिडिक्ट करता है कि कितना फ्यूल होना चाहिए हर एक स्टेज पर वो हमने डिजाइन किया है और बहुत मेजर कंपोनेंट चंद्रयान के साथ में हो गया था। इसके अलावा हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र रहा है जो भी हमारा काज रहा है या तो सुपर कंप्यूटर में हो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हो या हमने अपना खुद का माइक्रोप्रोसेसर बना रहे हैं इंडिया माइक्रोप्रोसेसर बना रहे हैं जो RISC-V बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर है उसके हम खुद यहाँ पर हम बना रहे हैं। इस जो भी लर्निंग होती है हमारी उसको हम अपने तक सीमित न करके उसको कोर्स में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाते हैं। घंटों का कोर्स है ये भी ऑनलाइन मिलेगा। अभी फील वक्त टाइम तो कम है लेकिन दिसंबर 30 तक इस कोर्स की फीस सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है। और अगर ये कोर्स किसी ने कंप्लीट कर लिया तो फिर सीडैक उसको सर्टिफिकेट देगा। इसके आगे अगर वो एग्जाम भी लिखेंगे सर्टिफिकेशन एग्जाम उसको हम कहते हैं तो अगर वो पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम अगर पास कर ले तो वो एग्जाम की फीस 600 रुपये जो है वो 600 रुपये भी उनको रिएम्बर्स कर दी जाएगी अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले। और इसके आगे ये कि वो अगर एग्जामिनेशन पास कर लें तो फिर उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सीडैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नैसकॉम इसका ज्वाइंट सर्टिफिकेशन उनको मिलेगा। तो ये क्या नाम है ब्रिज कोर्स इन आईओटी इन आईओटी सर ये कब ये फॉर्म भरेगा सर? ये कभी भी आप मेल लिख दें आपको फौरन जो है वो कंटेंट वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये फ्यूचर स्किल प्राइम का पार्ट है जो भारत सरकार ने एस्टैब्लिश किया है। 10 एरिया है 10 विभिन्न क्षेत्र है आईटी में जिसमें आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। जो ब्रिज कोर्स है जैसे हमने बताया कि हर एक कोर्स में जैसे ब्लॉकचेन का कोर्स है उसमें भी ब्रिज कोर्स है तो 100 रुपये उसका फी है। उसके अलावा बड़े कोर्सेज भी बड़े कोर्सेज पे करना पड़ता है लेकिन जब पास कर जाते हैं तो एक वैलेट का स्टूडेंट वैलेट का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर पैसा आपको वापस हो जाता है।